हेलो फ्रेंड, अभी तक हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिया। हमने नेचुरल फिनोमेना को डिस्कस कर लिया, जैसे कि टिंडल इफेक्ट या रेनबो फॉर्मेशन या वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स या ब्लू कलर ऑफ स्काई। नाउ इन दिस क्लास वी विल गोइंग टू डिस्कस द प्रैक्टिस शीट ऑन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम इस वक्त डिस्कस करेंगे। So we will going to discuss question number 6. Question number 7, question number 8, then 11, 12, 13, 14, 15, and then 16. So these are some questions which we will going to discuss. ये questions cover करने पे आपको पूरा chapter अच्छे से understanding पूरे chapter की बन जाएगी, और उसके बाद आप further जो भी आप book refer कर रहे हैं, whether it is NCERT or some other reference book, you can solve them easily. Okay, so let us discuss question number 6 first. Question number 6 says, the near point of a certain eye is 100 centimeters. कोई एक eye का near point 100 centimeters है, what focal length lens should be used to see clearly an object 25 centimeter in front of the eye? मतलब वो कहना चाह रहा है कि एक object 25 centimeter की दूरी पे रखा हुआ है, पर उस person की आँख के लिए नियर पॉइंट जो है वो है 100 सेंटीमीटर्स। 100 सेंटीमीटर्स का क्या मतलब? कि जब ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर्स की दूरी पे होगा तब वो उसे क्लियरली देख सकता है। क्या इसका ये मतलब है कि उसके पीछे या उसके आगे कहीं पे भी रखूं तो वो देख नहीं सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। नियर पॉइंट हमने क्या सीखा था? नियर पॉइंट वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ रखे हुए, मैं बता सकता हूं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो इस पर्सन के लिए नियर पॉइंट 100 सेंटीमीटर्स है, मतलब अगर मैं 100 सेंटीमीटर्स के अंदर आता हूं तो ये पर्सन या मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाऊंगा बिकॉज मेरे लिए नियर पॉइंट इज 100 सेंटीमीटर्स। मतलब अगर 100 सेंटीमीटर्स के पीछे जाऊं तो क्या मैं देख सकता हूं? यस, बिकॉज इस क्वेश्चन में फार पॉइंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट दो ऐसे टर्म्स हैं जो हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। किसी आई का नियर पॉइंट 100 सेंटीमीटर्स है और ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, तो अब ये पर्सन उस 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है जो कि 100 सेंटीमीटर्स पे दिखना चाहिए, तो कौन सा डिफेक्ट होना चाहिए? ये कौन सा आई डिफेक्ट है? वी हैव स्टडीड अबाउट दिस। सो दिस डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। ये डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, या कहें लॉन्ग साइटेडनेस, उसको पास के ऑब्जेक्ट्स देखने में दिक्कत आती है। ओके, सो हाइपरमेट्रोपिया करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? सो वी विल यूज कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट को। नाउ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट्स से दिस इज आई, दिस इज आई, दिस इज द आई लेंस, और ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, दिस इज 25 सेंटीमीटर्स। नाउ इसके आगे मैंने एक लेंस रखा, कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बन के पीछे कहीं पे आनी चाहिए, लेट्स से यहां पे, बिकॉज दिस इज द
near point for this person. This is 100 centimeters. बिल्कुल इसी तरह से हमने हाइपरमेट्रोपिया को डिस्कस किया था. सो जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो बननी चाहिए यहां पे. मतलब इस पर्सन को इस पॉइंट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, लेट्स से दिस इज ओ एंड दिस इज आई, ओ पॉइंट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट उसको आई पॉइंट पे दिखाई देना चाहिए. सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज? इट इज इमेज डिस्टेंस शुड बी 100 सेंटीमीटर्स. नाउ व्हाट अबाउट दिस 100 सेंटीमीटर्स? क्या ये पॉजिटिव होगा, क्या ये नेगेटिव होगा? तो हम कहेंगे कि लेंस यहां पे रखा हुआ है. अगर लेंस यहां पे है और ऑब्जेक्ट यहां पे है तो लाइट का डायरेक्शन ये वाला है. अगर लाइट का डायरेक्शन ये है तो ऑब्वियस ही बात है इधर नेगेटिव डायरेक्शन है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा. देन व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू, दिस इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अगेन वी कैन सी लेंस से आपको इधर चलना है इस डायरेक्शन में, हेंस दिस इज ऑल्सो नेगेटिव. नाउ नाउ वी विल यूज लेंस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस. व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? इट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. सो 1/v इज 1/-100 माइनस ऑफ 1/-25. When you solve this, you will get 1/25 minus 1/100. So solving this, we will get F is equals to 25 into 100 upon 75. So this is 3. Finally, you will get F is equals to 100 by 3 centimeters with a पॉजिटिव साइन. दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है तो इसका फोकल लेंथ शुड बी पॉजिटिव. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट. सो इस क्वेश्चन में हमने आइडेंटिफाई कैसे किया कि हाइपरमेट्रोपिया है? बिकॉज नॉर्मल आई के लिए हम जानते हैं कि फार पॉइंट इन्फिनिटी है और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है. तो अगर किसी का नियर पॉइंट चेंज हो रहा है इट मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, और अगर किसी का फार पॉइंट चेंज होता है इट मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया. ओके सो इन ऑन दिस बेसिस वी विल डिस्कस, वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन से डिफेक्ट की बात कर रहा है. दिस इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड मे बी अगर आपके एग्जाम में ये आता है तो अराउंड 3 मार्क्स का ये आ सकता है. सो प्लीज बी केयरफुल. इट्स वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं कैलकुलेशन बहुत सिंपल है. मेन जो यहाँ पे टास्क था वो सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने का था और ये आइडेंटिफाई करने का था. आपको पता होना चाहिए कौन सा लेंस आप यूज कर रहे हैं. एंड एग्जाम में अगर आप इस तरह से डायग्राम भी स्केच करेंगे देन यू कैन गेन मोर मार्क्स. ओके सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7. The far point of a certain eye is 1 meter in front of the eye. What focal length lens should be used to see clearly an object at infinity? What he tried to say? ये कह रहा है कि एक person का far point 1 meter हो गया है. मतलब अगर मैं एक object को उसकी eye के सामने 1 meter की दूरी पे रखूंगा तो वो उसे clearly देख पाएगा. लेकिन अगर 1 मीटर से आगे लेके आऊं तब भी क्या क्लियरली देख पाएगा? हाँ क्लियरली देख पाएगा बिकॉज यहां पे फार पॉइंट चेंज हो रहा है. एंड व्हाट इज फार पॉइंट? फार पॉइंट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच यू कैन डिस्टिंक्टली सी सम ऑब्जेक्ट, क्लियरली सी सम ऑब्जेक्ट. सो फार पॉइंट में अगर मैं 1 मीटर के दूर ले जाता हूं ऑब्जेक्ट को, 1 मीटर से पीछे की तरफ लेके जाता हूं, तब आपको वो क्लियरली दिखाई नहीं देगा. सो इट मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि 1 मीटर से दूर रखे हुए हैं उन ऑब्जेक्ट्स की इमेज फॉर्म करनी है एग्जैक्टली 1 मीटर पे. कैसे करेंगे चलिए देखते हैं.
सो इन क्वेश्चन नंबर 7 हम देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज हो रहा है उसका फार पॉइंट, और अगर फार पॉइंट चेंज होता है इट मींस यहाँ पे डिफेक्ट है, मायोपिया, मायोपिक डिफेक्ट। और लेंस कौन सा यूज होना चाहिए? कॉनकेव, कॉनकेव लेंस वी शुड यूज। सो लेट अस से दिस इज द आई, ये ऐसा एक आई है, एंड दिस इज द आई लेंस। अब एक ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज अगर मुझे यहाँ पे आगे बनानी है तो उसके लिए मुझे कॉनकेव लेंस का सहारा लेना पड़ेगा। सो लेट अस से दिस इज द कॉनकेव लेंस, और इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज जब इस कॉनकेव लेंस से टकराएंगी सो दे विल रिफ्रैक्ट इन सम डायरेक्शन सच दैट द इमेज फॉर्म्ड इज एट 1 meter। जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है और उसकी इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है, एंड दिस डिस्टेंस इज 1 meter, ये डिस्टेंस है 1 meter का। सो वॉट अबाउट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? इफ आई से यू दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्या ये इन्फिनिटी पॉजिटिव होगी या निगेटिव? हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये पॉजिटिव है या निगेटिव, बट फिर भी हम साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे। सो लेंस के अगर हम डायरेक्शन में देखें तो लाइट रेज इस डायरेक्शन में आ रही है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट कहीं पीछे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट पीछे रखा है मतलब इसके पोल से मुझे निगेटिव डायरेक्शन में मूव करना है। सो इसीलिए द साइन कन्वेंशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज निगेटिव। देन वॉट अबाउट इमेज डिस्टेंस, दैट इज वी। इमेज डिस्टेंस की अगर हम बात करें सो यू कैन क्लियरली सी कि इमेज भी सेम इसी डायरेक्शन में रखी हुई है, और इमेज का डिस्टेंस कहां पे है? इट शुड बी 1 meter। अब 1 meter हमने जो ये इमेज डिस्टेंस माना, ये आप चाहे आई लेंस से माने या फिर आप इस कॉनकेव लेंस से माने, इट डजंट मैटर। व्हाई? बिकॉज हमने ये माना कि ये जो कॉनकेव लेंस है ये आई से बिल्कुल चिपका हुआ रखा है, जैसा आप स्पेक्स पहनते हो। तो स्पेक्स पहनने के बाद आपके आई में और इस स्पेक्स के लेंस में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। सो वी कैन अज्यूम कि ये दोनों पास पास रखे, तो जो डिस्टेंस इस आई लेंस इस कॉनकेव लेंस के पोल से इस इमेज का है, उसी डिस्टेंस को मैं इस आई लेंस के पोल से इस इमेज तक का मान सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन कंसिडर दिस। सो इट मीन्स यहाँ पे भी इमेज डिस्टेंस शुड बी 1 meter, एंड दिस 1 meter should be negative. Now, let us calculate the focal length using 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u. So, 1 upon f is equals to 1 upon minus 1 minus 1 upon minus infinity, and you will get f is equals to minus 1 meters. So, this will be your answer. This will be minus 1 meters. सो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉनकेव लेंस टू बी यूज। और ये हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं बिकॉज हमने ये चीज डिस्कस की है, हमने ये चीज पढ़ी है पहले कि किसी भी पर्सन के लिए जो डिफेक्ट होता है मायोपिक डिफेक्ट केस में फोकल लेंथ जो होती है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ नियर पॉइंट सॉरी फार पॉइंट। एक्स इज द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, दिस इज द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, ये हमने डिस्कस किया है कि एक्स फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई होता है। सो वॉट यू नीड टू डू, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला एंड सॉल्व, बट हाँ एग्जाम में अगर आप सॉल्व करें तो प्लीज यूज दिस प्रोसीजर। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता तो ऑब्जेक्टिव के केस में आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके और सॉल्व कर देते, चल जाता। सेम यहां पर भी हम कर सकते थे। इस केस में आपने पढ़ा है कि फार फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इज एक्स इंटू डी अपॉन एक्स माइनस डी। सो डायरेक्टली जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगेन ये फॉर्मूला आप यूज करें जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करें। फॉर एग्जाम, एटलीस्ट इन एग्जाम यू शुड यूज दिस फॉर्मूला, यू कैन यूज दिस एंड डायरेक्टली आंसर। अगर ये क्वेश्चन 1 mark का आता है और अगर आपने ये फॉर्मूला क्लास में ऐसे डिस्कस किया है, क्लास में आपके टीचर ने डिस्कस किया है, देन यू कैन यूज दिस, एल्स प्लीज डोंट। ओके,
So this is question number 7. I hope question number 7 is clear. Okay, then discuss question number 8. Question number 8 says, a long-sighted person can see distinctly from a distance of 40 centimeters. It is intended to read a book placed at a distance of 20 centimeters. Find the power and type of lens required. So, question clearly says that the person is long-sighted. Long-sighted person ka kya matlab hai? Long-sighted person ka ye matlab hai ki usko sirf dur ki cheeze clearly dikhai degi. Can see distinctly from a distance of 40 centimeters. Matlab 40 centimeters ya uske piche agar aap kisi object ko rakhoge to wo person use clearly dekh sakta hai, bahut acche se dekh sakta hai. Lekin agar wo distance 40 centimeters ke aage hua to wo clearly nahi dekh sakta. So can I say he is suffering from what kind of defect he is suffering from? He is suffering from hypermetropic defect. उसको हाइपरमेट्रोपिया है, ही सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट. नाउ अगर वो 40 सेंटीमीटर रखे दूर ऑब्जेक्ट को देख सकता है, उसके अंदर आए तो नहीं देख सकता. इसका मतलब अगर वो बुक को पढ़ना चाहता है जो कि 20 सेंटीमीटर पे रखी है, उस बुक की इमेज कहां पे बननी चाहिए? द इमेज ऑफ दिस बुक केप्ट एट 20 सेंटीमीटर शुड बी फॉर्म एट 40 सेंटीमीटर. और हाइपरमेट्रोपिया में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? Convex lens. So if this is the eye of this person, this is the eye lens, और यहां पर हमने एक लगा दिया convex lens. Now the object is kept at this is the object which is kept at 20 centimeters, और इसकी image form होनी चाहिए at 40 centimeters. Now you can solve this. हम formula apply कर लेते हैं या directly solve करके देख लेते हैं. You can say V is equals to minus 40. U is equals to minus 20. Now use 1 upon F is equals to 1 upon V minus 1 upon U. जब यहां से हम focal length calculate कर लेंगे, then we know how to calculate the power, and power is equals to 1 upon F और 100 upon F, because ये दोनों चीजें centimeters में दी हुई है. So this is 40 centimeters, this is 20 centimeters. Okay, so in this way you can use this formula and calculate. So this is what about question number 8. Okay, so question number 8 में clearly उसने बता दिया कि वो person long sighted है. तो यहां से हम clearly justify कर सकते हैं कि हाँ उसको hypermetropia ही है, क्योंकि अगर वो कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर रखी किताब को वो पढ़ सकता है, लेकिन अगर वो किताब और अंदर तरफ आए तो वो उसको पढ़ नहीं पा रहा. इट मींस उसका नियर पॉइंट कहां पे शिफ्ट हो गया है? उसका नियर पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो गया है. सो हम क्लियरली समझ सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है. यहां पर सिर्फ थोड़ा सा घुमाने के लिए कोशिश की गई है कि वो 40 सेंटीमीटर और किताब पढ़ना चाह रहा है और लॉन्ग साइटेड है. तो हो सकता है अपन कंफ्यूज हो, बट डोंट गेट कंफ्यूज. आप क्लियरली सिर्फ ये सोचें कि उसने कहा कि 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे वो डिस्टिंक्टली देख सकता है. इट मींस उसके अंदर के डिस्टेंस को वो नहीं देख सकता. और दूसरी चीज उसने यहां से क्लियर कर दी कि जब उसने कहा कि 20 सेंटीमीटर रखी 20 सेंटीमीटर दूर रखी हुई किताब को पढ़ना चाह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो एक शॉर्ट साइटेड या मायोपिक पर्सन होता तो उसको लेंस की आवश्यकता ही नहीं होती. 20 सेंटीमीटर दूर रखी किताब को वो आसानी से पढ़ लेता, लेकिन उसको किताब पढ़ने में दिक्कत आ रही है 20 सेंटीमीटर रखी हुई. सो इसीलिए हमने कहा कि उसको हाइपरमेट्रोपिया ही है. वी गेट वेरी वेरी श्योर कि हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट ही होना चाहिए. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. नाउ यू कैन नोट दिस. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 सेज,
विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द पैसेज ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू द प्रिज्म. सो इफ यू लुक एट ऑप्शन ए, दिस वी हैव डिस्कस, सो मैं इसे बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, जस्ट एक क्विक आंसर हम करते हैं इसका. आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, जब उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली डिपिक्ट्स, तो जब फॉलोइंग फिगर्स बोला है इट मीन्स आपको ऑप्शंस चेक करने हैं, आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना है और जस्टिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा सही है. एक सही आंसर ढूंढने के बजाय आप कोशिश कीजिए कि आप तीन गलत आंसर्स को निगेट कर सके. तो किस तरह से करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा लिख लेते हैं, ए बी सी और डी. नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग, अब हम डिस्कस करेंगे. अगर हम ध्यान से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखें, तो ऑप्शन सी में कह रहा है कि एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है और इमर्ज जब हो रही है तब भी एक सिंगल बीम ऑफ लाइट इमर्ज हो रही है. अब क्योंकि ये प्रिज्म है तो इसीलिए व्हाइट लाइट यहां से एक सिंगल बीम की तरह इमर्ज नहीं हो सकती. इंसिडेंट हो रही है सिंगल बीम, लेकिन इमर्जेंट रे कभी भी सिंगल रे नहीं हो सकती, सिंगल बीम कभी नहीं हो सकती. व्हाई? बिकॉज व्हाइट लाइट इज अ पॉलीक्रोमैटिक लाइट. सो इट मींस ऑप्शन सी तो गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है. तो दो ऑप्शन हमने निगेट कर दिए. अब हमारे हाथ में बचे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. नाउ लेट अस लुक एट ऑप्शन ए. ऑप्शन ए सेज कि एक व्हाइट लाइट ऐसा इमर्जेंट इंसिडेंट हो रही है और इमर्जेंट रे में जो आपको स्पेक्ट्रम दिख रहा है उसमें सबसे नीचे जो है वो वायलेट कलर है और सबसे ऊपर रेड कलर है, कुछ इस तरह से. इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे नीचे वायलेट है, सबसे ऊपर रेड है. हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है. देन ऑप्शन बी पे आते हैं. अभी इसको हम निगेट नहीं करते, ऑप्शन ए को हमने निगेट नहीं किया, हमने इसको देख के ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया. देन हम ऑप्शन बी पे आते हैं. ऑप्शन बी में भी सेम कंडीशन दिखा रहा है, लेकिन उस केस में वायलेट ऊपर आ रहा है और रेड नीचे आ रहा है. अगर वायलेट ऊपर और रेड नीचे, तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो स्पेक्ट्रम में हमने ये पढ़ा है कि रेड कलर बेंड्स और डेविएट्स लीस्ट, वायलेट कलर डेविएट्स और बेंड्स मोस्ट. सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट कलर में होना चाहिए. सो इट मींस अगर हम इस लाइट का पाथ देखें, सो इस पाथ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि डेविएशन शुड बी मैक्सिमम इन वायलेट कलर एंड दैट्स व्हाई वायलेट कलर शुड बी एट द बॉटम. वायलेट कलर को यहां पे होना चाहिए और रेड कलर को यहीं पे होना चाहिए. इसीलिए हम ऑप्शन बी को निगेट कर देंगे एंड आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, तो इतना हमें दिक्कत नहीं आई. लेकिन जहां पे भी क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग और इस तरह से बोलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर एनटीएसई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप जब भी सॉल्व करें सो फोकस ऑन निगेटिंग द ऑप्शंस. एक सही आंसर ढूंढने के बजाय तीन गलत आंसर्स को पता करिए, देन यू कैन सॉल्व देम इजीली, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11. देन क्वेश्चन नंबर 12. फिगर ए बी सी रिस्पेक्टिवली इंडिकेट द पॉइंट इन केस ऑफ. ओके, सो आपको ये बताना है कि कौन सी आए इन दिस फिगर ए बी सी रिस्पेक्टिवली इंडिकेट द पॉइंट इन केस ऑफ. तो आपके सामने तीन आय दी हुई है, ए बी और सी. आपको ये बताना है कि कौन सी सीक्वेंस में ये तीनों आय है. जैसे कि ऑप्शन ए को हम रीड करते हैं, ऑप्शन ए सेज द नॉर्मल आय, ऑप्शन बी सेज द हाइपरमेट्रोपिक आय, ऑप्शन एंड थर्ड इज मायोपिक आय. तो ऑप्शन ए में हमें तीन चीजें दिख रही हैं, द नॉर्मल आय, द हाइपरमेट्रोपिक आय एंड मायोपिक आय. तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये जो ए बी सी ऊपर तीन आय के सीक्वेंस दिए हैं, क्या इसी सीक्वेंस में तीनों आय के बारे में दिया हुआ है. क्या ए वाली जो आय है वो एक नॉर्मल आय रिप्रेजेंट करती है, क्या बी वाली जो आय है वो एक हाइपरमेट्रोपिक आय रिप्रेजेंट करती है, और क्या सी वाली जो आय है वो एक मायोपिक आय रिप्रेजेंट करती है. चलिए चेक करते हैं. इन्फिनिटी से आने वाली लाइट, पहले वाले ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें, पहले वाली आय को हम ध्यान से देखें,
तो पहली आय में इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे एग्जैक्टली आके इंसिडेंट हो रही है रेटिना पे, उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है और रेटिना पे इमेज बन रही है। तो क्या ये एक हाइपरमेट्रोपिक आय है, क्या ये एक नॉर्मल आय है, क्या ये एक मायोपिक आय है? ओके, सो अगर हम डायग्राम को देखें, हमने ये देखा था कि एक पर्सन जिसको दूर का देखने में दिक्कत होती है उसे हम क्या कहते हैं? दूर का देखने में जिसे दिक्कत होती है उसे हम मायोपिया कहते हैं, मायोपिक डिफेक्ट कहते हैं। इट मींस जो ए वाली आय है, जो ए ऑप्शन वाली आय है, दिस आय कैन बी अ हाइपरमेट्रोपिक आय और दिस कैन बी अ नॉर्मल आय। अगर इसे मायोपिया होता तो क्या होता, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे पहले ही मीट कर जाती, पहले ही इनिशियली ही मीट कर जाती कहीं पे रेटिना के पहले, तो हम कहेंगे कि उस समय यहां पे मायोपिया दिखता। लेकिन अभी क्लियरली वो कह रहा है कि इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज आर मीटिंग एट रेटिना, वो रेटिना पे ही मीट करती है। चलिए हम इसे डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, ऑप्शन ए के डायग्राम को। जो इन्फिनिटी से लाइट रेज इस पे आ रही हैं, दे आर मीटिंग एट रेटिना ओनली, वो रेटिना पे ही मीट करती दिखाई दे रही। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो आइदर इट्स अ हाइपरमेट्रोपिक आय और अ नॉर्मल आय, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिक आय में भी हमने देखा है लाइट रेज मीट करती हैं तो रेटिना पे करती हैं जब इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट होता है। जब ऑब्जेक्ट को मैं पास में रखता हूँ तब जाके प्रॉब्लम आती है, तो अभी तो इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल लाइट रेज है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं मे बी दिस इज अ हाइपरमेट्रोपिक आय और मे बी दिस इज अ नॉर्मल आय। ऑप्शन बी, बी वाली जो आय बनी है इन दिस केस इट सेज कि जो लाइट रेज आ रही हैं दे आर मीटिंग बियॉन्ड रेटिना, पर रेटिना के पीछे कहीं पे मीट कर रही हैं, कहीं यहां पर। तो जब आई रेज रेटिना के पीछे मीट करती हैं तब कौन सा डिफेक्ट कंसिडर करते हैं? अब दीज लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, या हो सकता है उस पर्सन का नियर पॉइंट ही इन्फिनिटी शिफ्ट हो गया, दिस मे बी पॉसिबल, क्योंकि लाइट रेज अगर रेटिना के पीछे मीट कर रही हैं सो डेफिनेटली दिस डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट। दिस बी ऑप्शन इज डेफिनेटली हाइपरमेट्रोपिक इफेक्ट। दिस पर्सन इज डेफिनेटली हाइपरमेट्रोपिक। एंड वॉट अबाउट सी ऑप्शन, सी डायग्राम ऑफ दिस आई, इट सेज दिस इज द आई, दिस इज द आई लेंस। तो लाइट रेज जो कि इन्फिनिटी से आके स्ट्राइक करती हैं वो रेटिना के पहले ही मीट कर रही है। सो अगर लाइट रेज रेटिना के पहले मीट कर रही हैं, इट मीन्स दिस डिफेक्ट हैज टू बी मायोपिक डिफेक्ट। तो सी ऑप्शन तो डेफिनेटली मायोपिक डिफेक्ट है, और अगर बी वाली आय हाइपरमेट्रोपिक हो गई तो हम कहेंगे कि दिस आय शुड बी नॉर्मल आय। सो यहां से हाइपरमेट्रोपिक हट जाएगा, मतलब पहले वाली आय एक नॉर्मल आय है, सेकंड वाली आय एक हाइपरमेट्रोपिक है और थर्ड आय एक मायोपिक आय है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग नॉर्मल आय, हाइपरमेट्रोपिक आय और मायोपिक आय, हाँ ठीक है, हो रहा है। ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग पहली आय जो है वो हाइपरमेट्रोपिक होनी चाहिए, दूसरी आय मायोपिक होनी चाहिए, क्या मायोपिक है? नहीं, दिस इज अ हाइपरमेट्रोपिक आय, सो इट मींस ऑप्शन बी इज रॉन्ग। सिमिलरली यू कैन चेक ऑप्शन सी एंड सिमिलरली यू कैन चेक ऑप्शन डी ऑल्सो। सो इस बेसिस पे क्वेश्चन 12 का आंसर शुड बी ऑप्शन ए। आपको सिर्फ ये करना है कि डायग्राम देखना है और बताना है कि ये कौन सी आय है, और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को मैच करना है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12।
यू कैन नोट दिस.